किया क्योंकि इनके दिलों दिमाग में कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी ने भी जो दलित और आदिवासियों के प्रति जो जातिवादी मानसिकता ही मानसिकता है वो अभी तक भी बदली नहीं है। और इतना ही नहीं, अभी तक तो बीजेपी के लोगों ने जातिवादी लोगों ने आरएसएस के लोगों ने तो इंसान को जातिवाद में मारा और अब तो ये भगवानों को भी जातिवाद के आधार पर बांटने लगे। और इतना ही नहीं, दलितों को अगर जब लगा बीजेपी को कि दलित इनके हाथ में आने वाला नहीं है तो दलितों को खुश करने के लिए तो इन्होंने हनुमान को ही तो दलित जागरूकता उठा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी, तो मैं श्री योगी को यह कहना चाहती हूँ कि आपने हनुमान को दलित वर्ग का तो बता दिया है, तो मैं योगी से यही कहना चाहती हूँ इसके साथ आगे जो फरमान हो जाएगी उनको कर देना चाहिए कि पूरे देश में जवाहरलाल तो हनुमान जी के मंदिर है तो वहां पर पुजारी दलित वर्ग को ही बढ़ा दिया है। तो आता है तो कम से कम उसे कुछ भाड़ा तो हो जाए तो उतना पैसा आता है तो उससे कम से कम दलित वर्ग के लोग कुछ पैसे दे हॉस्पिटल शिक्षण संस्थान आदि खोलकर उनका भाड़ा तो कर सकते हैं। तो ये भी बनना चाहिए, मेरे नाम मुझे ही लगता है करने वाला है। और चुनाव होने से कुछ समय पहले और चुनाव के दौरान भी अधिकांश विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया वे ओपिनियन बोर्ड एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी दूर नहीं होना है। इसके साथ ही आप लोगों को पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके कमरों में भरे चुनावी घोषणा पत्रों के घोटाले में भी कतई नहीं आ रहा है।